सो आवर टुडे स्टोरी इज द एनॉर्मस टर्निप। टर्निप का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता होगा। आपने शलगम खाया कभी? हिंदी में हम पढ़ते हैं क ख ग ग, तो उसमें जब हम श लिखते हैं तो श के साथ हम लोग लिखते हैं शलगम। तो शलगम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऊपर से इस तरीके का कलर होता है इसका, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और धरती के नीचे उगता है ये, अंडरग्राउंड। जैसे मूली उगती है ना, मूली और गाजर कैसे उगती है? धरती के अंदर उगती है, उसी प्रकार से शलगम भी उगता है। यहाँ पर कहानी का नाम है हमारा द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, बहुत ही बड़ा। टर्निप मतलब शलगम और एनॉर्मस मतलब साइज में बहुत ही बड़ा। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी ने कुछ टर्निप के सीड्स, बीज लगाए थे। द टर्निप सीड्स ग्रू। अब वो जो टर्निप सीड्स जो थे वो ग्रो होने लगे, वो बन गए, यानी कि पौधा बनने लगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। टर्निप सीड्स बड़े होते गए और बड़े होते गए और बड़े होते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन ने कहा कि ये जो टर्निप है, ये जो शलगम है, मैं इसको उखाड़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। उखाड़ना मतलब बड़ा हो गया, अब इसको खा सकते हैं निकाल के हम लोग। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन जो था, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, तो उसने जोर लगाया, पुल्ड एंड पुल्ड मतलब बार बार जोर लगाने की कोशिश की। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो उस बड़े से टर्निप को नहीं उखाड़ पाया, इतना गहरा चला गया था, वो बड़ा भी था ना इसलिए। आई वॉन्ट एन ओल्ड वुमेन केम। उस समय एक बूढ़ी औरत आई वहां पर, एक बुढ़िया आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने उससे कहा कि मैं इस बड़े से शलगम को, टर्निप को उखाड़ना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमन। बुजुर्ग औरत ने कहा मैं तुम्हारी मदद करती हूं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। अब वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत दोनों ने मिलकर जोर लगाना शुरू किया, पुल्ड एंड पुल्ड, यानी बार बार जोर लगाने लगे। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो उस बड़े से शलगम को उखाड़ नहीं पाए। कुड नॉट लिखा है, देखिए उखाड़ ही नहीं पाए वो दो लोग मिलकर भी। देखिए सोचिए कितना बड़ा होगा वो टर्निप कि दो लोग मिलकर भी उसको नहीं उखाड़ पा रहे। अ बॉय केम। फिर वहां पर एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन। आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। अब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हम इस टर्निप को उखाड़ना चाहते हैं, जमीन से निकालना चाहते हैं। तो उस लड़के ने कहा आई विल हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद करता हूं ये करने में। यहां देखिए पिक्चर में लड़का आया हुआ है। देखिए अब ये लड़का जो है, ये ओल्ड लेडी है यहाँ पर पहले से ही, ये ओल्ड मैन है, और ये हमारा शलगम है टर्निप। अब ये लड़का जो है इनकी मदद करेगा आकर। चलिए देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं ये लोग। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब तीन लोग हो गए, पहले दो ही लोग थे, अब देखिए एक ओल्ड मैन आ गया। ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन और द बॉय, इन तीनों ने मिलकर उसको पुल करना शुरू किया। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो तीनों मिलकर भी उस बड़े से टर्निप को नहीं निकाल पाए। ओ माई गॉड, कितना बड़ा होगा ये, देखिए 1 2 3 लोग थे। अब यहाँ पर फोर्थ एक और लड़की आती है। देखिए गर्ल केम। वी वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। अब देखिए पहले ये बुजुर्ग अंकल थे, फिर आंटी जुड़ी साथ में, फिर ये लड़का जुड़ा। अब ये लड़का जो है इस लड़की को बोलता है कि भी हम इस एनॉर्मस टर्निप को उखाड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं उखड़ रहा है। लड़की फिर से बोलती है आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो कितने लोग हो गए यहाँ पर? चार। नाउ लेट्स सी कि ये बाहर आता है कि नहीं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब चार लोग, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, इन चारों ने मिलकर उसको उखाड़ने की कोशिश की। अब केम द एनॉर्मस टर्निप, और इस बार वो बाहर आ गया। कौन?
टर्निप, टर्निप जो था देखिए ये बाहर आ गया है। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड दे डिड। अब उन तीनों ने फिर से बोला कि हम लोग आपकी मदद करेंगे इस बड़े से टर्निप को खाने में। ये किसने कहा? ओल्ड वुमन ने कहा, बॉय ने कहा और गर्ल ने कहा, और उन सब ने उसकी मदद भी की उसको खाने में। यानी कि जिस प्रकार से टर्निप निकालने में मदद की गई वैसे टर्निप खाने में भी उन तीनों ने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की। यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए, थोड़ा देख लेते। एनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, टर्निप मतलब होता है शलगम, ओल्ड मैन मतलब बुजुर्ग आदमी बूढ़ा, ओल्ड वुमन मतलब बुजुर्ग औरत यानी कि बुढ़िया, पुल्ड का मतलब खींचना।